पिछले वीडियो में हमने टाइम सीरीज़ डम्पोजिशन के बारे में देखा था कि उसमें हम क्लासिकल डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं एडिटिव मॉडल मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या होते हैं किस तरीके से हम उनको फाइंड कर सकते हैं किस तरीके से टाइम सीरीज़ डिकम्पोज होता है एडिटिव या फिर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में ट्रेंड सीजनैलिटी साइक्लिक नेचर क्या होता है नॉइज़ क्या होता है ओके और हमने फिगर से भी समझा था पाइथन के कोड से भी समझा था कि किस तरीके से हम डिकम्पोज कर सकते हैं टाइम सीरीज़ डेटा को इस वीडियो में हम देखेंगे एस टी एल डीकम्पोजिशन दैट इज सीजनल एंड ट्रेंड डिकम्पोजिशन यूजिंग लोएस्ट मैथड ओकेम्पोजिशन यूजिंग लुइस मैथड नाउ लुइस का फुल फॉर्म क्या हुआ लुइस इज स्टैंड फॉर लोकली

आउट लायर्स एंड टाइम सीरीज डेटा सो एसटीएल डिकम्पोजिशन क्यों है जब हमारे पास क्लासिकल डिकम्पोजिशन था तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो लेफ्ट साइड में जो हमने यहाँ पे फिगर प्लॉट किया है ये एप्पल स्टॉक प्राइस का डेटा हमने डिकम्पोज किया है यूजिंग क्लासिकल डिकम्पोजिशन एंड राइट साइड में एस टी एल डिकम्पोजिशन का यूज करके सेम डेटा यहाँ पे आप ओरिजिनल में देख सकते हो सेम डेटा को हमने डिकम्पोज किया है तो ट्रेंड अगर आप देखो तो ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में क्लासिकल और एस में सो so, क्लासिकल में आपको फिक्स्ड सीजनल पैटर्न देखने को मिल जाता है फिक्स्ड सीजनल पैटर्न वेयर एज एस टी एल में अगर आप देखो तो सीजनल पैटर्न यहाँ पे भी है सिमिलर पैटर्न दिख रहा है बट इट इज़ चेंजिंग ओवर टाइम यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पैटर्न ये पैटर्न ये पैटर्न एंड देन दिस वन ये चारों एक दूसरे से सिमिलर हैं बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा सो सीजनल वेरिएशन चेंजेज़ ओवर टाइम तो जो क्लासिकल डिकम्पोजिशन है ये एज्यूम करता है कि जो डेटा में फिक्स सीजनल पैटर्नस हैं बट एस टी एल एक्चुअल जो सीजनल पैटर्न होता है वो दिखाता है सो इट इज़ बेटर टू फाइंड एक्चुअल सीजनल पैटर्न यूजिंग एस टी एल डीकम्पोजिशन सो वैरायटी ऑफ सीजनल पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे वो फ़िक्स एज्यूम नहीं करता यहाँ पे एक्चुअल में जो सीजनल पैटर्न है वही दिखाता है सो so, एस इस मामले में सीजनल वेरिएशन के मामले में बेटर है एज़ कम्पेयर टू द क्लासिकल डिकम्पोजिशन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रेसिडूल्स को देखें तो रेसिडुल्स आप देख सकते हो इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है तो क्लासिकल जो है क्लासिकल डिकम्पोजिशन जो है ये ईजिली इन्फ्लुएंस्ड है आउटलायर से इट इज़ ईजिली इंफ्लुएंस्ड बाई आउटलायर्स वेयर एज एसटील डिकम्पोजिशन में क्या होता है स्टील डिकम्पोजिशन में जैसे मैंने बताया लुइस मेथड को हम यूज करते हैं दैट कैन हैंडल आउटलायर्स दैट कैन हैंडल आउटलायर्स सो so, अगर आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं और अगर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते आपको डिकम्पोज करके देखना है ताकि आपका जो डेटा है जैसे ट्रेंड है सीजनेलिटी है रेसिडुअल है उसको एडिशन करने पे आपका एक्चुअल टाइम सीरीज डेटा बन जाए नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस की तो ये डिफरेंस नहीं एक काइंड ऑफ लिमिटेशन है एस टी का कि ये मल्टीप्लीकेटिव मॉडल जो होते हैं टाइम सीरीज डेटा होते हैं उसको हैंडल नहीं कर सकता इट कैन ओनली हैंडल ओनली डल एडिटिव मॉडल और यू कैन से एडिटिव टाइम सीरीज डेटा जिसमें ट्रेंड सीजनेलिटी और एसिड्यूअल को ऐड करके हम टाइम सीरीज डेटा एक्चुअल हम जो एक्चुअल टाइम सीरीज डेटा बना सकते हैं और क्लासिकल डिकम्पोजिशन में क्या है इट कैन हैंडल बोथ मल्टीप्लीकेटिव एंड एडिटिव मॉडल्स मोस्टली हम प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करते हैं डिकम्पोजिशन को तो हम क्या यूज करते हैं अगर आपके पास टाइम सेज डेटा है जो कि एडिटिव मॉडल पे बेस्ड है तो वहाँ पे एस टी एल डिकम्पोजिशन का यूज़ करते हैं और अगर आपके पास मल्टीप्लीकेटिव मॉडल है तो वहां पे हम क्लासिकल डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं सिंपल सा रूल यही है आपको यही रूल ध्यान में रखते हुए अपने टाइम सीरीज डेटा को डिकम्पोज करके उसको एनालाइज करना है सो so, हमने पहले ही क्लासिकल टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन देख लिया था कि किस तरीके से स्टैट्स मॉडल के सीजनल डिकम्पोज फंक्शन का यूज़ करके हम क्लासिकल डिकम्पोजिशन परफॉर्म कर सकते हैं अभी हम देखते हैं एस टील डिकम्पोजिशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे सो स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी से ही आपको एस टी एल करके फंक्शन मिल जाएगा एस टी एल स्टैंडल डिकम्पोजिशन सो जिस तरीके से हमने क्लासिकल डिकम्पोजिशन को कॉल किया है एंड देन उसमें जिस भी टाइम से इस डेटा पे आपको डिकम्पोज करना है वो पास किया था एंड पीरियड पास किया था सेम उसी तरीके से यहां पर भी हम एसटीएल डिकम्पोजिशन के साथ करेंगे बट अगर आप यहां पर देखो डिफरेंस तो यहाँ पे हमने एक और पैरामीटर पास किया था दैट इज़ मॉडल तो मॉडल में आप एडिटिव या फिर मल्टीप्लिकेटिव पास कर सकते हो अब ये एस सिर्फ एडिटिव मॉडल को सपोर्ट करता है इसलिए हमें यहाँ पे कोई मॉडल करके पैरामीटर नहीं मिला है पीरियड मैंने सेम रखा है थर्टी डेज और फिर यहाँ पे हम फिट करते हैं एंड देन इसका जो भी रिजल्ट है वो मैंने रिजल्ट करके वेरिएबल में स्टोर कर लिया है देन यहाँ पे सिंपली मैंने जिस तरीके से प्लॉट किया था डिकम्पोजिशन प्लॉट इन द क्लासिकल डिकम्पोजिशन उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी सिमिलर वे में ट्रेंड सीजनल और रेसिडुअल ऑर्डर को प्लॉट किया है जो हमने फिगर देखा था सेम वही फिगर यहाँ पे हमें मिलने वाला है आफ्टर रनिंग दिस कोड तो इस तरीके से आपका ओरिजिनल डेटा आ गया ट्रेंड सीजनल एंड रेसिडुअल